सकता हूँ, लेकिन मैं इसी बैंकों में एक ही लाइन में करता हूँ, भाई देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है, तंत्र जीत जाता है, तंत्र जीता तो यानी लोकतंत्र हारा है। एक अफेंस की तीन तीन सजा हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान को दे रही है। पिछली बार सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, एक मूल मंत्र देने का काम किया, लेकिन जहां जहां पर हम लोग विपक्ष के विधायक थे वहां वहां पर हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से भेदभाव होने का काम किया। हरियाणा में क्या हाल है, लेकिन नूह का 32 करोड़ का मुआवजा अब तक भी 4 बार 5 बार सदन में उठाने के बावजूद भी अब तक भी वो बटा नहीं है हमारे जिले। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन था। हरियाणा विधानसभा के इस सत्र के लिए हमने कई बार एक बात उठाई थी कि कांग्रेस अपना आखिर विपक्ष का नेता क्यों नहीं चुन पाई, कांग्रेस ने अपना विपक्ष का नेता तय क्यों नहीं किया। हालांकि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस पर अपनी बात भी कही थी और ये भी कहा था कि ये गेंद आलाकमान के पाले में है, हमने आलाकमान को पार्टी हाईकमान को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। और साथ में ये भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि विपक्ष का नेता बनने में देरी हो रही हो, और साथ साथ उदाहरण दिया था कर्नाटक का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि जो कद होता है, ऑरा होता है, वो बोलता है। हरियाणा विधानसभा में भले ही विपक्ष का नेता किसी को मनोनीत ना किया हो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो CLP लीडर बनाना है, क्योंकि जो CLP लीडर होगा वही विपक्ष का नेता होगा, भले ही किसी को ये जिम्मेदारी ना दी गई हो, लेकिन विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने विधायक हैं, उनके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, उनके अंदर अशोक अरोड़ा भी हैं, उनमें रघुवीर सिंह कादियान भी हैं, उनमें आफताब अहमद भी हैं और उनमें गीता भुक्कल भी हैं। वैसे भी ये तेज तर्रार सभी नेता हैं और बात को बोलने रखने वाले लोग हैं। विधानसभा के अंदर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे अशोक अरोड़ा, रघुवीर सिंह कादियान और इनके साथ साथ आफताब अहमद और इनके साथ साथ ही गीता भुक्कल, ये तमाम नेताओं ने कांग्रेस की जो पैरवी है, कांग्रेस का जो पक्ष है, वो खूब मजबूती के साथ रखा है। रघुवीर सिंह कादियान ने जहां विधानसभाओं से क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कदम कदम पर सरकार को घेरा। अशोक अरोड़ा जहां पराली पर बोलते हुए भी नजर आए, इसके अलावा अशोक अरोड़ा हर एक टॉपिक पर अपनी बात रखते हुए दिखे थे, तो आफताब अहमद संजीदगी के साथ अपनी बात रखती नजर आई। गीता भुक्कल एक अलग अंदाज में थी। गीता भुक्कल ने जब रामकुमार गौतम बोल रहे थे विधानसभा के अंदर, दादा रामकुमार गौतम, तो दादा गौतम के सवाल का जवाब भी बाखूबी दिया। हालांकि विधानसभा के अंदर जो बोला रामकुमार गौतम जी ने, बातें तो कई कही, लेकिन जो खासकर नौकरियों के मामले में और उन्होंने दलित समाज के लिए जो बात कही, उसका विरोध भी तर्कपूर्ण तरीके से गीता भुक्कल ने खूब दिया। दरअसल तो मैं, क्योंकि मेरे विधायक थे बहुत सारे साथी, उनको बोलने का मौका दे रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता। इसकी वजह यह है कि अभी सरकार नई नई बनी है, पहला अधिवेशन हो रहा है, पहला राज्यपाल का अभिभाषण था, अभिभाषण रोड मैप दिखाता है, लेकिन जो ये माहौल बनाने की कोशिश की, जिस प्रकार की हर चर्चा चली, हमारी सरकार आज से 10 साल पहले थी कांग्रेस सरकार की, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं थी। अरे 10 साल इस पार्टी की सरकार हो गई, उसकी चर्चा करो, क्या किया है उसकी चर्चा करो, क्या कमी डाले उसकी चर्चा करो, उसके लिए मतलब इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इनकी कमी ना आए सामने, इन्होंने 10 साल क्या किया वो ना आए। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के हक में नहीं था, लेकिन इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। ये क्या फिर आप अपनी उपलब्धि बताओ, ये नरवाने वाले डॉक्टर होंगे, एक डॉक्टर था नरवाने में, वो ना उसके पास कोई दांत था, ना कोई जमूरा, ना और कोई चीज दवाई, बैठ गया कुर्सी ले गए, लिख दिया कि दांत में दर्द था, लाजमी इलाज, कुछ भी नहीं, बैठ गए, आ गया, दो शीशी रख गया, तो शीशी मिर्च का पानी डाल दिया, बैठा वो दांत के दर्द में, उसी शीशी मिर्चों का पानी जो है उसकी आंख में डाल दिया, तो बोला हाँ
बड़ा दांत बड़ा छोड़ दांत के लिए आंख बचा ये जान करते अपने काम बताओ भाई बड़ी खुशी होती और कोई बात नहीं कहेंगे क्या जो खड़ा होगा या तो ये ट्रेनिंग दे रखी है या ऐसी उन्होंने पाठ पढ़ा रखा है तो जिसका कोई मतलब नहीं 10 साल पहले की बात तो कहेगा कि उस सरकार खर्ची पड़ती ये एक पुरानी कहावत है क्या नाम उल्टा चोर दरोगा को डाकते उल्टा चोर थानेदार को डाकते मैं किसी को चोर नहीं बता रहा मैं कहावत की बात बता रहा हूं लेकिन इस कहावत का मतलब ये है जिसकी खुद की कमी हो ना है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस खुद अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे करते ये देखो इनका मैं दिखाता हूं इनके समय की जो बात कर रहे हैं ये सारी सब्जी एक एक खबर हरियाणा करोड़ रुपए लेकर नौकरी अगर सौदा है नी करोड़ रुपए लेकर लगे एच सी एस स्टाफ नर्स डी आई डी ए एन ये देखो 20 लाख के है नी मनी बनी थी मुझे पाए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ साथ प्रक्रिया कट गई उन्हें हाईकोर्ट ने दिया ये हाईकोर्ट का है हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट केस हरियाणा भर्ती परीक्षा पर लीक करने के लिए 1 करोड़ की हुई थी डील ये लो कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक 12 लाख तक आंसर के का सौदा परीक्षा रद्द ये देखो मतलब सच्चा एसबीएसई दफ्तर पकड़े ये लोग कितनी क्या को दिखा सकता हूँ हर चीज दिखाना चाहता हूँ ये देखो क्या है 4 करोड़ बराबर ये मतलब जो इनका सरकार है खर्ची पर्ची भी इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा पेपर लीक 19 पेपर लीक हुई सरकार ने और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का और खर्चा करोड़ रुपए दफ्तर में पकड़े गए एसएस कमीशन के उसमें पकड़ा गए और आपको बताया विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली आप किसी का नहीं सुनना हजारों उदाहरण उस चर्चा में जाना नहीं चाहता लेकिन इनका बता रहे हैं माहौल उन्होंने कोशिश करी दूसरा अध्यक्ष महोदय दूसरी बात कहेंगे ये परिवारवाद ये परिवारवाद की विशेष समझ में आई और कोई बात नहीं कहेंगे परिवारवाद कौन सा परिवारवाद में कोई नहीं मैटर मेरे तो गर्व है अपने परिवार का मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का मेरे दादा काला पानी सिंह का हुक्म हुआ था गांधी जी को लेकर आए मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए 4 पाकिस्तान में हैं 4 आज हिंदुस्तान में हैं और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं 283 आदमी 10 कैदियों में से एक उनके थे वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 महीने समय के सब रहे और कोई नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट लोकसभा पंजाब असेंबली हरियाणा असेंबली राज्यसभा 7 महीने सब लोग सदस्य रहे मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया धरती से जुड़ा हुआ हूँ एमएलए सांसद भी रहा सेवा करी चीफ मिनिस्टर किया अब 3 बार विपक्षा नेता भी रहा अब ये तो हमारा तो परिवारवाद हो गया फिर आप अपनी पार्टी में देखो मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है मेरे साथी के बच्चे हैं कोई मिनिस्टर है कोई कुछ है मैं खुश हूँ मैंने आशीर्वाद दिया उनको तुम्हारे कोई ईर्ष्या होती है कोई कहेगा बाप बेटा बाबू बेटा अरे तुम अपनी तो देख लो अपनी देख लो मैं इसलिए एक ही बात कहूंगा तो वो करो तीसरा बात ये कहेंगे ये अब इलाकावाद की बात कहेंगे और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है इलाकावाद मेरे समय में अध्यक्ष महोदय क्या मैं बताता हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में ठीक दीन बंधु छोटू राम संगल पार्क बना यमुनानगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला में भी एक कॉलेज बना करनाल में और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने जो उसका रिफाइनरी है उसमें भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी महिलाओं की पहली हरियाणा में गवर्नमेंट शायद देश में पहली हो वहाँ मेडिकल कॉलेज देश आजाद होने के बाद और देश आजादी से पहले
केवल एक सरकारी क्षेत्र में था जो महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज हो, दूसरा वो दिल्ली में दूसरा ही था और कोई नहीं सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहां IIT, IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब कितने ही ला सकता हूँ, कितनी यूनिवर्सिटी वहां पे आई है। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार मेरे को सेवा का मौका मिला, दो चीज देखी मैंने इसमें कि एक शिक्षा नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली से रोज बच्चे जाते गुड़गांव और रात को वापिस आ जाते। मैंने उनसे पूछा तुम हमारे बच्चों को नहीं मिलाते, बोले मैं पूरी शिक्षा दी है, तो शिक्षा का हक बनाने का काम किया, आगे चल रहा हूँ। इस प्रकार से राजीव गांधी रोहतक में IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और आपके झज्जर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये एक इलाके में जाए कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर एक इलाके में पूरे देश के वहां मने जाते हैं। फिर आप आ जाओ दीन में चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज सेंटर चलाया वहां जो यहां तक पूरा नहीं कर सके। और आप आओ सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, उसकी एक्सटेंशन करी, एक राष्ट्रीय स्तर पर लेके आए। और फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, जो एक बहुत बड़ा वो होगा और उसमें हमारा शेयर होगा उसमें। हाँ जी, आप आ जाओ फिर हिसार में लाला लाजपत राय नाम के नाम से एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, गुरुग्राम में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, पूरे देश की सबसे पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री से रखवाई, जो वहां से वहां पड़ी है। इलाकाबाद की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ मेडिकल कॉलेज सेंशन कराया, जहाँ लॉ कॉलेज सब कुछ बनने वाला है, अब नाम बनाएंगे जो सब सेंशन है। फिर मेवात में और फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, YMCA यूनिवर्सिटी, मेवात में हसन खान मेडिकल कॉलेज न्यू में, रिवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनी स्कूल, राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, और महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आज इसी प्रकार देखो फिर क्या क्या होता है, विकास की चीज का नाम होता है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ, तीन चीज होंगे उसका होगा। ये तो मैंने एजुकेशन का बताया, हेल्थ का बताया, मैं इतने मेडिकल कॉलेज खोले 2005 से पहले और हरियाणा बनने से पहले, इसमें केवल एक मेडिकल कॉलेज था रोहतक 1966 से पहले का था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने पंडित बगुजा के नाम। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से भादरगढ़, अब 10 साल से तो ये है, विश्वास से मैं कहता कर दे, एक मेट्रो का पोल लगाया हो बढ़ाया हो तो मेरे को बता दो, एक हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन लगाई या बिछाई, एक सेंशन करवाई तो बताओ। जितनी नेशनल हेल्थ की आज बात कर रहे थे, यहाँ से हम जा रहा है, यहाँ से रोड जा रहा है, मेरा दावा है, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ सर, 90% मेरे टाइम पे जब शुरू हुए या सैंक्शन हुए, 90% थर्मल प्लांट लगाए। अब कहते बिजली 24 घंटे दे रहे हम, लाओ रिकॉर्ड मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको रिकॉर्ड बिजली के, जो 4 थर्मल पावर प्लांट किसने लगाए, एक यमुनानगर में लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली छोड़ गए थे बिजली का एक इलाके के लिए, आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का बता चुका, IMT एक रोहतक में बनाई, एक न्यू में, एक खड़कौता में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर न्यू में बनी, एक फरीदाबाद में बनाई। और कर्जा कितना था, कर्जा कुल 60,300 करोड़ था, 18-19 से ये हो गया 1,00,000 से बहुत बढ़ गया। जो बिजली की प्रोडक्शन 2014-15 में हम छोड़ गए थे 12,691 और आज 2018-19 में हो गई घटकर 1,083, 2620% वो घटी। इसी प्रकार से इन बातों में लॉ एंड ऑर्डर की अरे छोटे में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, गन्नौर में जो पहली अंतर्राष्ट्रीय हमने
जो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट बनाई, इस प्रकार से बहुत सारे काम है। रैपिड मेट्रो गुड़गांव में सबसे पहली देश में हमने चलाई रैपिड मेट्रो गुड़गांव में। आप बता दीजिए आपने 10 साल में क्या किया। हाँ, मैं इसी वास्ते नहीं बोलना चाहता था आज। मैं सोचता था कि अभी एक महीना अभी अभी बने हैं, तेल देखो तेल की धार देखो, अच्छा काम करेंगे ना मैं अच्छा कहूँगा। लेकिन ये तो मतलब गड़े हमने 10 साल पहले की बातें उठाते हैं अभी, ये तो कहो तुम 10 साल पहले किया क्या, क्या नहीं किया, क्या नहीं हुआ था। तुमने 10 साल में कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई एक मनी जवाब बोलो प्लीज प्लीज। मैं आई डोंट वांट टू इंटरप्रेट शाइन ऑन माय लाइफ। आपकी बारी, आप बोलो ना खड़ोगे। देखिए मेरा एक निवेदन सभी माननीय सदस्यों से, कोई मैं ऐसी बात नहीं, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब अपनी बात रख रहे हैं और हम ध्यान से सुने, सारी बात को सुने। मुझे लगता है वही एक हेल्दी प्रैक्टिस है और जब सब ध्यान से सुनेंगे इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब देना है। और मेरा निवेदन कि उस समय भी सब ध्यान से सारी बात को सुने, विश्लेषण लोगों ने करना होता है, पर हम एक दूसरे की बातों को ऐसे इंटरप्ट करें बीच में, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं जो मैसेज आना चाहिए वो मैसेज नहीं जाता। जी तो यहाँ चर्चा करें, सब बीएपी की चर्चा करें। आप नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था, मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं, 1,00,000 मीट्रिक टन होना चाहिए था डीएपी स्टॉक, आप लाया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पर ले गए? आज 10 दिन के बाद कौन डीएपी पूछ रहा है, क्या जरूरत है किसान की? फिर ये कहते हैं कि हमने 24 फसल पे एमएसपी दे दी। भाई मैं मंत्री जी 24 फसल गिना दे कौन सी हो हरियाणा में, ये गिना दे मतलब 24 फसल होती है। अरे मूंग होती है, चलो मेरे साथ, मूंग का भाव 8,000 ज्यादा है मेरे ख्याल में, आदमपुर में सबसे ज्यादा होती है। चंद्र प्रकाश जी बता देंगे भाई, बाल समझ में आदमपुर हल्के में बाल समझ क्या भाव मिल रहा मूंग, मूंग की क्या भाव देखिए ईमानदारी से बता दो, खरीदी नहीं एमएसपी कह रहे 24 फसल। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 3100 रुपये धान खरीदेंगे। धान अगर मैं दावा करता हूँ, तारीख रख लेते हैं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, लाडवा चलते हैं, कैथल चलते हैं, वहां सारे किसान आप भी बुला लो मैं भी बुला लो, अपने से हाथ खड़ा करके क्या एमएसपी मिली उनको, कट मारा जा रहा है, सस्ती बेची जा रही है। फिर ये स्पोर्ट्स की बात क्या है भाई, स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे गर्व है हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। एक खिलाड़ी का जो बुमराह बहरा है 8 करोड़ रुपए इस हरियाणा सरकार ने दिए, आपके निधि जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आया कई बार लेके आया, 8 करोड़ निधि उसके। इसी प्रकार से आप कह रहे नौकरी की बात कह रहे, ये कौशल रोजगार निगम ने कि हमने इतने लगा दिए और अब नौकरी हमने पहले 26,000 दे दी। भाई एक बात ईमानदारी से बता दो, 25-26,000 नौकरी दे दी, उनमें से डी से सी में कितने आए हैं? 8-9,000 तो डी से सी में आ गए, वो कहां लग गए? वो डी से सी में आ गए। और क्यों आए डी से सी में? क्योंकि डी में पहले तुमने अनक्वालिफाइड आदमी बेचारो हाईली क्वालिफाइड को जो सी के लिए क्वालिफाइड था वो डी में ठोक रखे थे, वो अब सी में आ गए। सही बात बताने का हमने किया, हमारे समय में हुआ जितने जेबीटी थे, जितनों ने जेबीटी कर रखी थी, एक भी जेबीटी बचा हो तो बताओ, सबको कह दिया जितनी जेबीटी पास सारे लगाए इकट्ठे 50,000। अब 50,000 टीचर्स की जगह खाली आपके यहाँ, मतलब ऐसा माहौल हो गया। अभी तो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि अब आप तो अभी अभी आए हो, कोई बात हो तो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद मिलूंगा, लेकिन आज की स्थिति बता रहे जो आप कह रहे थे ना 10 साल पुराने पीछे बात छोड़े थे, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। अब बोलो आज ये प्रसिद्धि है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। अब गौतम ज्यादा भी वहाँ अस्पताल बना के बनवा तो दिए, डॉक्टर नहीं, कोई कह रहा मेरे अस्पताल डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, डॉक्टर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। अब कहता नहीं तो नहीं लगा दिए कौशल रोजगार निगम में, अरे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो, पक्के लगाओ। अगर इतने आपने नौकरियाँ दे रखी है तो 2,00,000 नौकरियाँ सेंशन पोस्ट क्यों खाली है हरियाणा में? इस बात का जवाब दो, इस बात का जवाब दो
कलकत्ते में हमें एक अखबार आया कि 70% पीपीएल हो गए, 75 लाख दो साल में हो गए। इसका सोचना तो पड़ेगा, गंभीर मामला है, क्यों हो गए भैया? एक एक बार साथी ने जवाब दिया कि क्योंकि एक लाख एक भाई बीस मिनट में एक मेरे बाद आप जवाब देना गरीबी रेखा का पैमाना था 1:20, एक मिनट, एक 80, एक सेकंड में जरूरी है। देखो ये गरीबों की मदद, उनसे प्यार प्रेम, देखो दिखावा नहीं है। इन्होंने हमेशा कितने स्पीकरों ने गरीबों को कितने ताने मारे, एक एक सेकंड कितने आपके, एक सेकंड गरीबों की सेवा, एक मिनट मुझे बात तो करिए। डॉक्टर साहब मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक मिनट साहब, एक मिनट प्लीज मोदी जी ने गरीबों की इतनी योजनाएं सरकार ने, मैं ये कह रहा हूँ गरीबों की दिखावा नहीं है अध्यक्ष जी। एक गरीबों की सेवा वो कर सकता है एक जिसने गरीबी देखी हो, ये काम मोदी जी और सैनी साहब और हमारे खट्टर साहब ने किया, ये मैं कहना चाहती हूँ। क्या पता, ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, अध्यक्ष महोदय चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, वो डॉक्टर साहब बताया था ना वो डॉक्टर साहब की अगेन मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय तो जवाब मिला जो ये कह रहे हैं वो कल, छोड़ो प्लीज, वो जवाब मिला जो ये पंडित जी कह रहे हैं ये भी कि वो पहले 1,20,000 थी, अब वो बढ़ा के 1,80,000 कर दी। ठीक है, क्यों? जब ये 1,20,000 थी उस टाइम रुपया डॉलर के मुकाबले में कितने थे, कितना डीजल का भाव था, कितना पेट्रोल का भाव था, ये तो बताओ। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो नहीं बढ़ाओगे तो नहीं घटाओगे, आगे भी बढ़ने पड़ेंगे। इसके हिसाब से तो 1,20,000 नहीं 2,40,000 होना चाहिए आपसे 10 साल में। फिर अध्यक्ष महोदय यहां चर्चा चली कि भाई बहुत सारे साथियों ने कहा कि वाटर टेबल हमारा बहुत नीचे चला गया। ये पहली सरकार है, आपको नहीं कह रहा, आप चाहने का पहला है, पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिन्होंने नहर खुदी, अटवा दी है दादू गुंडल जी, अरे कंपनसेशन दे रखा है, एक्वायर हो रही जमीन, नहर खुद रही, तुम क्योंकि कंपनसेशन कोर्ट ने बढ़ा दिया तो किसान को पैसा नहीं देना। ये बात इसी प्रकार से ये पहली सरकार है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसके में जितना तो काली सरकार का लेटर अपने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नाम की जो नेशनल हाईवे बना है सेंशन वाला टाइम में मेरे से, अरे बिहारी जो चतरा करते बिहानी रोड अब बनी वहां से जाके राजस्थान में जाता है, बीच में जाना ये जवाब दे रही अगर तू बोल बेदी जी बहुत सारी चीजों की जानकारी सबको है, लोगों को भी जानकारी है, ये ज्यादा ना करें और इधर भी रिएक्ट ना करें। मंत्री जी सारी चीजों की जानकारी, ठीक है गलत, ठीक है आपने अपनी बात रख ली, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी बोलेंगे फिर इधर से रिएक्शन होगा, ठीक है आप भी बैठिए, इतना रिएक्ट मत कीजिए प्लीज बैठिए आपको। भाई मुख्यमंत्री जी अगर आप बोलोगे तो बोलने देंगे क्या आपको, ये कोई तरीका है? चलिए अध्यक्ष जी मंत्री जी आपने अपनी बात रख ली, आराम से बैठिए, आप भी बैठिए अध्यक्ष जी
फिर वही बात हो जाएगी। अभी आप अभी इधर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, फिर इधर करेंगे। जानकारी कोई भाई कहना अच्छी नहीं कहे, एक पैसा नहीं दिया किसानों को। अरे कंपनसेशन एनहांस हुआ है और फिर जो गवर्नमेंट ने फैसला किया ये लिखा है, इतना पैसा दे दो वापस जो कंपनसेशन लिया। अपनी जमीन में लोग क्यों दिया, तो फिर कंपनसेशन नहीं दिया तो ये क्यों लिखा, ये गवर्नमेंट ले गए। ऐसे गलत बात कहने का क्या फायदा। अच्छा चलो, तो मैं कह रहा था नेक्स्ट आइएगा, आपने लिखा हुआ है मेरे पास, मेरे पास दोनों पत्र हैं जो हरियाणा सरकार ने लिखा कि हमारे को नेक्स्ट हाईवे की जरूरत नहीं। पहली सरकार है पूरे देश में जिसने लिखा कि हमारे नेक्स्ट हाईवे की जरूरत नहीं है। जो मेरठ से आप दीवानी हो गए जो राजस्थान में जा रहा है, और वो गडकरी जी ने जवाब दिया वो भी लेटर है मेरे पास कि 1,000 करोड़ दे दो हम छोड़ देंगे। विकास नहीं, वो बन गया रोड, बाद में बन गया, अच्छी बात है। और जितने बकाया रोड बने अच्छे, मैं अप्रिशिएशन करता हूँ। उसी प्रकार से ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जहाँ लॉजिस्टिक हब बावल में 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, इन्होंने कर दी। वहाँ के कमिश्नर ने कंपनसेशन अनाउंस कर दिया किसान का कि 1 करोड़ रुपये क्रम कंपनसेशन देंगे। इन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। तो आपकी बात भी पहले बता दें, जो आप 10 साल पहले की बात करें, सर आपकी तो इतनी बात है, आपके अध्यक्ष जी जो बाहर बात कह रहे हैं, अब परिवारवाद की बात कही, मैं कभी छोटी बात में नहीं आता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरा परिवार नहीं है, और यहाँ तो जिला परिषद तक भी अपने परिवार को भेजते हैं लोग, जिला परिषद में परिवार चले वो परिवार थी और कोई दूसरा परिवार चले वो ठीक थी। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह सकता था चुनाव से पहले, लेकिन मैं कभी व्यक्तिगत बात नहीं करता। और दूसरा ये कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस काउंट कह रहा हूं मैं, ये कहा गया कि किसानों की जमीन कौड़ियों के बाद ली गई और बिल्डर को दी गई। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि सरकार मेरे को जमीन का नंबर दे, नाम दे दे जो एक्वायर की हमने टाइम में और बिल्डर को अलॉट करी हो। कंपनसेशन ये जो KMP बन गई जो आप बात कर रहे थे, धन्यवाद करें, अच्छी बात है। कंप्लीट किसके समय में हुई और हमारे KMP की रिक्वायरमेंट ट्री कटिंग सब हमारे समय में थी। उसका जो है मेरे पास वो लेटर भी है जो तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, उसने लिखा था ये सेंट्रल कॉमन प्रोजेक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट में है, उसमें अच्छे से 2,00,000 रुपये एकड़ हम एक्वायर करके देंगे आपको। KMP की मेरे को मौका मिल गया सेवा करने का, मैंने उसी टाइम दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम नहीं देंगे फ्लोर रेट देंगे। देश में सबसे पहले एक्विजिशन पॉलिसी जो सारे देश में अपनी जो लेके आया था, एनवीटी जो 33-33 साल की थी, आज तक नहीं थी, 10 साल हो गए। एक्वायर कब की थी, एनवीटी देनी थी उनको, एनवीटी भी नहीं जा रही, चाहे MP की हो चाहे उसकी हो। भाई पहले अपना देख लो, आप अच्छा काम करोगे मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन आप ये जो ना ये बातें डाइवर्ट मत करो। आप हमारा सहयोग मांगो, हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप डाइवर्शन करोगे, अपना काम नहीं करोगे, अपनी और बात अच्छी रहती तो मैं कहता हूँ इस बात मंजूर नहीं है। आप इतना कमजोर नहीं है, देखो अध्यक्ष महोदय बार बार ये कहा गया, इतना भारी बहुमत हमने आए, भाई कितनी वोट आई आपकी, 39.8% आ गई होगी आपकी, 39.4% भारी भी, 4 या 5 1.5% का फर्क है ना, 0.5% का। और वो भी सोचो चर्चा हो गई, एमएनसी बैंकों में एक लाइन में करता हूँ भाई, देखो कई दफा क्या है, इस दफा भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज, लेकिन कई दफा लोकतंत्र हार जाता है तंत्र जीत जाता है, तंत्र जीता आपके हरियाणा में, लोकतंत्र हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप इस चर्चा का जवाब दें, कम से कम हमें तो पता लगेगी वो प्रबंध क्या है, हर प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए। तो मेरा यही है, और इसका दूसरा स्पीकर सर हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान देश प्रदेश है, और ज्यादातर लोग
यहां खेती से जुड़े हुए हैं और लगभग 62 लाख हेक्टर होती और जिक्र बहुत आज हरियाणा प्रदेश का किसान इस बात की कर रहा है कि डीएपी की और सरकार की तरफ से लगातार एक बात आती है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है और हमारे कृषि मंत्री जी मेरे मित्र हैं, बहुत लंबे समय तक हम इकट्ठे रहे और मुझे पता है कि बहुत अच्छी खेती भी करते हैं, इन्होंने खुद खेती की है, परंतु मुझे समझ नहीं लगती, कहते हैं कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। डीएपी एक ऐसी चीज है स्पीकर सर, आप भी किसान है, जो केवल बिजाई में डाली जाती है। जब खेत में बीज डालते हैं डीएपी डालते हैं और जब बिजाई के समय डीएपी नहीं मिलेगी, आज लाइनों में लग रहे हैं, एक उकुलाना हल्के के किसान ने आत्महत्या कर ली, कितनी दुख की बात है कि लाइन उसको समय पे डीएपी नहीं मिलती। तो इस प्रकार डीएपी की जो आपके पास आंकड़े हैं सरकार के पास कि डीएपी की कितनी खपत है, कितनी हमें मिलनी चाहिए, और एक कृषि वैज्ञानिक हुए हैं भारत सरकार के डॉक्टर लाठर, उन्होंने कहा कि हर साल 10% डीएपी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि डीएपी डालने से फसल ज्यादा होती है। तो इसलिए सरकार को पहले इसका इंतजाम करना चाहिए था, जो सरकार इसको नहीं कर पाई। और एक और बड़ा इशू है पराली जलाने का, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लोग जो जज है हमारे माननीय, वो सरकार पे डांट मारते हैं, सरकार अपना गुस्सा किसानों पे काट देती है। अब मुझे एक बताओ कि एक ऑफेंस करने पे सजा एक ही बार मिलती होगी, परंतु पराली जलाने के मामले में एक ऑफेंस में जुर्माना भी किसान पे लगा देते हैं, उसके ऊपर एफआईआर भी कर देते हैं और कह देते हैं 2 साल के लिए पोर्टल पे भी आपका नाम नहीं आएगा। एक ऑफेंस की 3-3 सजा हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान को दे रही है, ये किस प्रकार की सरकार स्पीकर सर, इस चीज को गौर करना चाहिए। और ये जो पराली का पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन है स्पीकर साहब, खाली हवा से नहीं होता, हवा के साथ पानी का भी होता है, आवाज का भी होता है, इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आज प्रदूषित पानी है, नालों में पानी है, और पानी है, तो इस प्रकार। और रही स्पीकर सर पराली, किसान मजबूरी में जलाता है पराली, कोई शौक से नहीं जलाता पराली, क्योंकि बिजाई करनी होती है, किसान के पास इतने साधन नहीं है। अब अगर सरकार ये जो 1,000 रुपये एकड़ देते हैं किसान को कि हम आप पराली मत जलाओ, 1,000 रुपये एकड़ देंगे, मेरा सुझाव है सरकार को कि आपके पास हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री है, एक समय ऐसा था जब किसान के पास ट्रैक्टर नहीं होता था, जब किसान के पास मशीनें की कमी थी, पैसे की कमी थी, तो हरियाणा एग्रो जो कारपोरेशन है हमारी, वो किराए पे मशीनें देती थी, ट्रैक्टर देती थी, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। आज आपके पास हरियाणा एग्रो, मैं मानता हूं शायद कोई लंबा चौड़ा प्रोक्योरमेंट के अलावा काम भी नहीं है, तो आप उनको ये काम सौंपो, मशीन आज 2-2 एकड़ का किसान रह गया, कहां से मशीन लेगा, मशीनें महंगी हैं। तो इसका अगर सरकार मशीनरी को उपलब्ध कराएगी, मैं कहता हूं 1,000 एकड़ देते हो बंद कर दो, परंतु उनको मशीन उपलब्ध कराओगे तो ये पराली जलाने का काम बंद हो। तीसरा, किसान का बहुत जिक्र किया कि हमने 24 चीजों पे एमएसपी दे दी। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी भी, आप भी और हम भी जहां भी रहते हैं, ये सारा धान का इलाका है, और इस बार स्पीकर सर धान के किसान को जितना नमी के नाम पे कटौती लगी है ना, मैं मानता हूं इतनी कभी भी नहीं लगी। और इस बार जितना सूखा धान आया, इससे पहले कभी भी नहीं आया। हमारे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सारी मंडियों का अगर जिक्र करेंगे तो कम से कम 50 करोड़ रुपए किसान की जेब से दस्ती गया। ये बात कृषि मंत्री जी भी
अपने इलाके में जाके पता कर ले, मुख्यमंत्री जी कर ले, आप कर ले कि पर्चा कटता है 2320 रुपए में बिक गई। 2320 में किसान ने धीरी बेची सरकारी एजेंसियों को, परंतु सरकारी एजेंसियां जो जीरी लेती हैं वो सेलर वाले उठाते हैं और नीचे लिख देते हैं कि 100 क्विंटल के 20,000 रुपए किसान नगद ले गया। और नगद कहां गए इस बात की सीएम साहब जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक घोटाला किसान के साथ हो रहा है। एमएसपी के नाम पे आपसे पूरे पैसे लिए जाते हैं और किसान को मिलता नहीं, इसमें कौन लोग शामिल हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। एक बहुत बड़ा इशू है स्पीकर साहब, किसान के हमारा प्रदेश ही खेती से चलता है और उसमें अगर हमारे साथ ही लूट होगी तो बहुत है। अभी यहां पर कहा गया सबका साथ सबका विकास नारा दिया गया और जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए स्पीकर सर वो कुछ और दिखाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है उसमें 70% आबादी आज हमारी बीपीएल से नीचे चली गई। एक तरफ हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो 70% से नीचे कैसे चली गई। ये स्पीकर साहब वही बात है कि एक एवरेज निकाल ली जाती है, आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है, 110 की एवरेज निकाल लेंगे तो 55 होने चाहिए। मेरे 55 का 45 कौन देगा, इसको कौन पूरे करेगा। 70% आबादी हमारी आज बीपीएल में चली गई है। ये बड़ा सोचने का विचार, बड़ा गंभीर इशू है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हरियाणा की बात करते हैं, 70% लोग तो फ्री का खाना लेके पेट भरते हैं, हमारे बच्चे रोजगार के लिए डोंकी में जाते हैं, वहां जाके दूसरे देशों में मजदूरी करते हैं। और हम विकसित भारत विकसित हरियाणा की बात करते हैं, बेरोजगारी में हम नंबर एक पे चले जाते हैं, महंगाई पे हम नंबर एक पे चले जाते हैं। तो स्पीकर सर ऐसे गंभीर इशू आज हरियाणा में आ गए कि हमारा युवा आज नशे की तरफ चला गया, युवा अपराध की तरफ चला गया। आज अपराध कितना बढ़ रहा है, हमारे कुरुक्षेत्र जिला जो हम सीएम का जिला है आज उसके अंदर रोजाना गोलियां चलती हैं, कभी आईलैंड सेंटर पे गोली चल जाती है, कभी स्वालामाद में गोली मार के एक आड़ती को मार देते हैं, कभी पिपली की आड़ती के ऊपर गोलियां चल जाती हैं। तो इस प्रकार क्योंकि ये इस सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रोजगार नहीं मिल रहा। अगर रोजगार मिला होता तो हमारे बच्चे आज अपराध की तरफ ना जाते, हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाते। ये गंभीर मुद्दा है। जिक्र करते हैं कौशल रोजगार के अंदर और बहुत जिक्र किया मूलचंद जी ने भी, विश साहब ने, कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। तो मैंने यूं तो बता दो जो ये कौशल रोजगार में लगे हैं यू किसी पर्ची से लगे हैं। हमारे कुरुक्षेत्र में नगर परिषद में 50 एम्प्लाईज लगे हैं। ये कहते थे हमारे कि ये कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, संविधान की उल्लंघना नहीं होती। संविधान की उल्लंघना स्पीकर साहब इसमें स्पष्ट रूप से हुई, ये इसमें कोई आरक्षण ही नहीं है। आप कुटनेश्वर नगर परिषद के अभी मुझे भी बता रहा था लगभग 50 कर्मचारी हैं जो इसमें कौशल रोजगार में लगे, उसके अंदर 2 एससी हैं, 3 बीसी हैं। जबकि अगर इसमें आरक्षण दिया होता तो 50 में से 24 लगते, 47% आरक्षण लगता, जो खाने का काम एससी बीसी का किया। ये फिर भी बात करते हैं। बड़ा जब क्रीमी लेयर की जिक्र कर रहे थे हमारे महामहिम जी तो कह रहे थे, तारियां पीट रहे थे कि 6 से 8 कर दी, नहीं तो बता दो 8 से 6 की न करी थी 10 साल तक, 8 से 6 लाडू। मैं कह रहा हूँ तारियां पीट रहे थे नहीं, उड़ा साहब का राज था, लघु कहा थी करी हमने 8 से 6 नहीं दिला, 6 की न करी थी। नहीं नहीं आप देख आप घोषणा करके चले गए, आप केवल घोषणा करके चले गए, वो लागू नहीं थी। आप आंकड़े उठा के देखिए, ये तो सभी, ये सभी को फॉलो करना चाहिए, ये सभी को फॉलो करना चाहिए। अशोक अरोड़ा जी आप अपना आप अपने जारी रखिए, अगर कंक्लूड हो गया तो ठीक है, नहीं तो जल्दी ठीक है आप करिए फिर कर लो। चलिए अरोड़ा जी। स्पीकर साहब एक और बहुत गंभीर इशू है हरियाणा के अंदर, आज सब लोगों को हमें सोचना चाहिए।
कि आज डेंगू का बहुत प्रकोप है, हर जगह डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, और इसके बचाव के लिए अगर सरकार पहले से फोगिंग कराई होती, सफाई की व्यवस्था ठीक की होती, तो ये आज इतना डेंगू नहीं फैलता। और मुझे हैरानी होती है कि डेंगू को रोकने की बजाय, डेंगू के उपाय करने की बजाय, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी हैं वो आंकड़े छुपा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से नहीं होगा। अब हमारे परसों में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 230 पेशेंट कुशेत्र में डेंगू के पाए गए, जबकि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसमें 200 तक कम हो। एक एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और लोग, कईयों की जान भी जा चुकी है। तो इस गंभीर पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। और एक और फिकर सर, एजुकेशन के ऊपर अभी मैं पढ़ रहा था कि 53% जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, 70% बीपीएल में आ रहे हैं और 53% बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों में मास्टरों की कमी है। और सरकार, मुझे लगता है सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, जो कि एक बहुत गंभीर है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है स्पीकर साहब, और बहुत बढ़ेगी, इस पे सोचना जरूरी है। स्पीकर साहब, अभी जिक्र आ रहा था ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का कि हमने इतने लगाए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे डी ग्रुप के कर्मचारी मिले थे कि जिनको चुनाव से पहले अगस्त में ज्वाइन करा दिया, उनको कोई महकमा नहीं दिया, कमिश्नर ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग होगी और अब 3 महीने हो गए उनकी सैलरी नहीं मिल रही, सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अगर आपने उनको ज्वाइनिंग करानी थी, कहीं महकमे कराते उनकी सैलरी देते, आज उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही। गीता जयंती महोत्सव बहुत अच्छी बात है, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पे जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया था, गीता जयंती मनाई जाती है। और स्पीकर सर, कोई आज से नहीं, ये गीता जयंती सबसे पहले हमारे वहां गीता धाम में स्वामी ज्ञानेशानंद जी होते थे, उन्होंने एक धार्मिक आयोजन यहां पर शुरू किया था गीता जयंती का। और जिस जिसकी सरकार रही, कांग्रेस की रही, लोकदल की रही, बीजेपी की, सबने इसको अच्छे ढंग से मनाया और अब भी अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, गीता जयंती को धार्मिक आयोजन रखो, गीता जयंती को कमर्शलाइज मत करो। गीता जयंती के ऊपर, हमारे ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो एक पवित्र ब्रह्म सरोवर है, वहां पर कमर्शियल स्टॉल लग जाते हैं और खाने के स्टॉल लग जाते हैं। तो मैंने बात की टीडीपी वालों से, मैंने कहा खाने के स्टॉल तो बंद कर दो, कहते हमें 50 लाख रुपए आते हैं। मैं कहा मैं विधानसभा से स्पीकर साहब से मांग कर लूंगा, मुख्यमंत्री से मांग कर लूंगा, तुम्हें 50 लाख दे देंगे, कम से कम इसकी पवित्रता तो ना भंग करो। वहां पर वहीं लोग खाते हैं और वहीं पे वो कबाड़ घेर देते हैं, जो सरोवर के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार स्नेह सरोवर, स्नेह सरोवर की पवित्रता के बारे में जब एमपी साहब थे मुख्यमंत्री आज के, इनको भी मैंने उस समय कहा था कि सोच का सीधा पानी वहां जा रहा है, और हमने वहां पर केडीपी के सामने धरना दिया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। तब धार्मिक आयोजन को धार्मिक दृष्टि से करना चाहिए, कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे उसके बारे में अच्छी बात है जितने ज्यादा लोग आए, परंतु उसको कमर्शलाइज मत करें, ये मेरा आपको एक सुझाव है। और स्पीकर सर, एक बात और कहना चाहूंगा, आज यहां पर कहा गया कि 5 लाख आवासीय योजना शुरू करने जा रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा स्पीकर सर, कि आज शहरों के अंदर गरीब आदमी का मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया, मकान बहुत महंगे हो गए, प्लाट आपने, आपकी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू की, दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू तो कर दी, 5 एकड़ पे भी आपने लाइसेंस दे दिया, परंतु उस पर कोई कैप नहीं लगाई,
किसान की जमीन 3 करोड़ रुपए एकड़ से लेकर 30,000 रुपए गज पे बेचनी शुरू कर दी। तो मेरा एक सुझाव है इसके अंदर कि पहले उड्डा के सेक्टर कटा करते थे स्पीकर साहब, उड्डा के सेक्टर कटते थे, उनके ड्रा निकलते थे, और जो इकोनॉमिकल विकर सेक्शन के लोग थे उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती थी, उनका एक कोटा फिक्स होता था। तो मेरी एक बात है कि गरीब आदमी भी शहर में अपना मकान बना सके, उसको भी ठीक रेट पे दोबारा से उड्डा के सेक्टर निकाले जाए, ड्रा निकाले जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे सरकार काम करते हुए ये करें। पहले जो उड्डा सेक्टर कटे थे उनको नगर परिषद में सफाई का ठेका दे दिया, अब उड्डा के पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो सफाई कौन कराएगा? नगर परिषद की अपनी नहीं सफाई होती, उड्डा के सेक्टर भी आज ऐसे बन गए जैसे गांव में होते हैं, वहां भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। हमारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा पशु आज इतने हो गए हैं कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर तो एक महिला स्पीकर साहब एक पशु ने नोच नोच के खा लिया, उसकी मौत हो गई। और अभी कल ही कुरुक्षेत्र के आजाद नगर के एक दंपति के आगे पशु आ गए, उनके एक्सीडेंट में उनको चोट लगी। अरोड़ा जी, केवल इस दृष्टि से क्योंकि दल का समय, दल के सभी सदस्यों का समय है, केवल इस दृष्टि से ध्यान रखें। वाइंड अप कर रहा हूं जी। एक मिनट सर, अरोड़ा साहब किसान के बेटे हैं, आवारा पशु कभी आवारा होता है? पशु बेसहारा है, और कितना हमारी गौ माता के साथ कितनी जाति और ये बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों पहले भी सदन में विषय आया था, तो बेसहारा वो और कुरुक्षेत्र को कॉमर्शलाइज ना करें। अरे टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं, हम हरियाणा को कुरुक्षेत्र को देश के नक्शे पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, उसको कॉमर्शलाइज की बात कर रहे हैं। ठीक, मंत्री जी ने कहा कि बेसहारा, ठीक है बेसहारा कर दो, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने ठीक कहा, परंतु बेसहारा आज जिनकी आप पूजा करने की बात करते हो, आज वो प्लास्टिक खा के मर रही है, उनकी तरफ भी ध्यान कर लो। मैं तो अपने शब्द को ये ठीक कर लूंगा, और मैंने कुरुक्षेत्रा को कॉमर्शलाइज नहीं, गीता जयंती को ब्रह्म सरोवर को कॉमर्शलाइज किया, आप उसको ध्यान दे के सुन लो। मैंने आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। तो मैं एक बात कहूंगा कि सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं से वादा किया था लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 देंगे, तो गवर्नर ड्रेस में तो मुख्यमंत्री जी को जिक्र ही नहीं है, इसका जिक्र भी करवा देंगे, जब करो बोलोगे जब कर दोगे। बहुत इंतजार कर रही है आपकी बहने, हमारी बहने, वो इसका भी होना चाहिए। और ये जो आज गवर्नर एड्रेस आज हुआ है, मुझे लगता है इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ पुराना है, पुराने उस पे चल रहे हैं, पहले भी धान घोटाले होते थे, अब भी हो रहे हैं, तो इनके रोकने के प्रबंध किए जाए। आपका धन्यवाद स्पीकर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया। उम्मीद करती हूं कि लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरते हुए और राजधर्म का पालन करते हुए ये सरकार कार्य करेगी। पिछली बार सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, एक मूल मंत्र देने का काम किया, लेकिन जहां जहां पर हम लोग विपक्ष के विधायक थे वहां वहां पर हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से भेदभाव होने का काम किया। बीजेपी के बहुत से नेता अभी भी कह रहे हैं कि पिछली बार विधायकों के खातों में हमने पैसा डाल दिया, आप उनको जरूर बताएं कि एमएलए लैड जो दिया जाता है वो किसी विधायक के खाते में नहीं जाता, बल्कि वो सरकार को उस कार्य को धरातल पर करवाने का काम करना होता है। और अभी भी इस प्रकार की बात की जा रही है, तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपसे मैं उम्मीद करती हूं, 15वीं विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में बहुत सी बातें कही हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका साथ और सबका विकास किया जाएगा, तो हमारे क्षेत्रों के साथ किसी प्रकार से कोई विश्वासघात ना किया जाए। वहां पर जो हमारे कार्य चल रहे हैं, हमारे समय से जो पाइपलाइन में थे उनको वापिस करने की बजाय उस पर पूरी तरह से काम करने का काम किया जाए। कह रहे थे कि सरकार का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3री बार बनी है, लोकतंत्र में पूरी तरह से इस तंत्र का इस्तेमाल किया गया है,
प्रशासन की देखरेख में जिस प्रकार से मैं समझती हूं ये खेल हुआ है। हम ड्रग्स डी एडिक्शन की बात करते हैं, यहां पर ड्रग्स एडिक्शन नशा बांटा गया और वोट तो बराबर की आई है। 60% लोगों ने बीजेपी की सरकार को नकारने का काम किया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाला समय बेहतर हरियाणा के लिए, हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं, हम पूरी तरह से कॉपरेट करने का काम करेंगे ताकि हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक की बजाय, क्राइम में नंबर एक की बजाय, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध में नंबर एक की बजाय तरक्की में एक नंबर का राज्य बने, इसकी ओर से विपक्ष की ओर से हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा हम लोग दे रहे हैं। क्या हालत हो गई आज किसान की? हमारा किसान डीएपी की खाद के लिए लाइन में फिर रहा है, कहां उसको किसान को अपने खेत तैयार करने हैं, खाद मिल नहीं रही है। और आपकी सरकार ये यहां पर उपाध्यक्ष महोदय स्टेटमेंट देती है खाद की कोई कमी नहीं है, तो हमारे झज्जर में क्यों नहीं मिल रही? क्या कारण है कि क्षेत्रों में लाइन लग गई, इतने बार कहने के बाद भी, रिक्वायरमेंट कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी एक भी जगह पर जो है खाद डीएपी की खाद नहीं मिल रही है? पराली को लेकर केवल किसानों को कहना, क्यों नहीं एनजीटी की गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से फॉलो करते और क्यों किसानों की हम जो है रेड लाइन एंट्री कर रहे हैं और फसल नहीं खरीद की जाएगी? क्यों किसानों को थानों में जाकर आज खाद लेनी पड़ रही है और हमारे क्षेत्र में फसल हमारी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई? मुआवजे के लिए हमने बार बार कहा, फिर भी हमारे क्षेत्र में जो है वो मुआवजा देने का काम नहीं किया। हाई टेंशन वायर्स को लेकर लगातार हमारा किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, कई डेथ हो चुकी है। अभी पिछले हफ्ते भी हमारे क्षेत्र में बुरावास में इसकी वजह से डेथ हुई। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा, हम सोच रहे थे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र घोषणा पत्र का जिक्र होगा, क्योंकि पिछली बार जो घोषणा पत्र बना था उसके लिए ये तय किया गया था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट किया जाएगा। एक भी मीटिंग उसकी नहीं हुई, माननीय अनिल विज जी उसके चेयरमैन बनाए गए, घोषणा पत्र के पन्नों को भी खोलकर नहीं दिया गया। आज फिर से एक संकल्प पत्र आया है, उम्मीद कर रहे थे कि इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय बताएंगे कि हमारी बहनों को लाडो योजना के तहत 2100 रुपया कब से मिलना शुरू होगा। एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस पर भी कोई खास चर्चा नहीं हुई। बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा युवा या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, महंगाई से जूझ रहे हैं। हमारा जो युवा है अभी बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 बच्चों को हम सेवा सुरक्षा देंगे, आप उनको पक्की नौकरी कहीं क्यों नहीं दे रहे? जब आप कह रहे हैं 2,00,000 पक्की नौकरी खाली पड़ी है, तो मैं जानना चाहती हूँ इस सदन के माध्यम से कि उपाध्यक्ष महोदय, तो जो अगर 1,20,000 इनको आप समायोजित कर लेंगे तो क्या ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है या 2,00,000 नौकरियां जो है वो अलग है? इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कोई शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं, कोई बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन नहीं, कोई डिसेबल नहीं। ये चल क्या रहा है देश में? कौन हमारे जो है इनकी हितों की रक्षा करने का काम करेगा? और इस तरह से बैकडोर एंट्री की जा रही है। परिवारवाद आप कह रहे थे, एक एक परिवार में से चार चार पांच पांच हमारे पास है, तो आप सूची टेबल्ड करें जिस समय ये आपको यहाँ पर बिल लाने का काम करेंगे। और आप बात कर रहे थे ग्रुप सी और डी की, ग्रुप सी डी के लायक रह गए क्या हमारे हरियाणा के बच्चे जो आईएएस में टॉप करते हैं, इंडियन जो बाहर जा रहे हैं, आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन केवल ग्रुप और सी और डी के लिए हरियाणा के बच्चों को आज क्या कारण है? क्लास वन और क्लास टू में उसको बच्चों को नहीं दे रहे। जुडिशरी का रिजल्ट आया, आपने रिजर्वेशन की जो सीटें थी उसको खाली छोड़ने का काम किया और जनरल कैटेगरी में जो है बाहर के बच्चों को भरने का काम किया। क्यों हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में पक्की नौकरी नहीं दी जा रही? यही कारण है कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा अंडर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड डंकी के माध्यम से विदेशों में पलायन कर रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं, स्पीकर महोदय का खुद का जो क्षेत्र है पूरे गांव वहां पर खाली हो गए हैं। बूढ़े माँ बाप यहां पर रह गए, पैसा अपनी जमीन बेचकर वो जा रहे हैं इलीगल तरीके से, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और हमारे यहाँ पर जब जॉब की बात आती है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात आ जाए, चाहे कॉलेजेस की बात आ जाए, आप उसमें हमारे नेट जेआरएफ पीएचडी पास बच्चों को नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं और फिर कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही, बैकलॉग को पूरा आप कर नहीं रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, क्योंकि शिक्षा में सरकारी स्कूलों में शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ता है, दलितों के, गरीबों के, बैकवर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं। साजिश के तहत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया है, डाइट को बंद करने का काम किया है जहां पर जेबीटी की ट्रेनिंग और उनकी भर्ती हुआ करती थी। स्टाइफन स्कॉलरशिप आप उनको नहीं दे रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
पिछली टर्म में कहने लगे थे कि लाखों बच्चों को 21, 22, 23, 24 अरब 24, 25 का सेशन आ गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार ना इसको गंभीरता से ले रही है। आरओई मॉडल स्कूल, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में 36 मॉडल स्कूल हमारे समय में बनाए गए थे, टॉप क्लास मॉडल स्कूल थे। उनमें स्टाफ को भर्ती करने की बजाय, उनको पक्का करने की बजाय हमारे टॉपर बच्चों को जो है आप सुविधा देने का काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे कॉलेजेस की मैं देख रही थी, जिस समय कॉलेज में सीटें भरने के लिए एडमिशन की बात आई, मैक्सिमम सीटें हमारी खाली रह गई। क्या कारण है कि हमारा बच्चा आज हरियाणा प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं? केवल नामकरण, जो हमारे स्कूल चल रहे थे उनको बदलकर मॉडल संस्कृति स्कूल कर दिया, भिवानी बोर्ड से डिसएफिलिएट करके उसको सीबीएसई के स्कूल बना दिए। क्या बात है, क्या हमारा भिवानी बोर्ड अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता? क्या कारण है कि उनको पीएम श्री स्कूल में आपने बना दिया? और आपने फिर उसके बाद, मैं कहना चाहूंगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र मैं सुन रही थी, माननीय हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप कह रहे हैं 2025 तक आप करेंगे, आज तक उसके लिए करिकुलम नहीं डिसाइड हुआ है, कोई वर्कशॉप नहीं हुई है, स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की जा रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पर शिक्षा को इतनी लोअर प्रायोरिटी पर क्यों लिया जाता है। सैनिक स्कूल खोले जाने की बात हो रही थी लगातार, ठीक है आज हम तीसरी बार विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप बताएं, मातनेल में सैनिक स्कूल की घोषणा देश के डिफेंस मिनिस्टर, पुराने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उसके बाद उस पर कुछ नहीं कार्य किया जा रहा है। और हमारा युवा जो नशे की चपेट में, उपाध्यक्ष महोदय, जो आ रहा है, हम जब गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, हमारी माताएं बहनें रो रो कर कहती हैं हमारे बच्चे बर्बाद हो गए नशा। क्या कारण है सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती? नशे की चपेट में आ चुका हमारा ये युवा बर्बाद हो गया है, क्राइम में पूरी तरह से यह इस समय आ चुका है। और बात कर रहे थे एक विकसित हरियाणा की, अभी रिपोर्ट क्रीड की शामिल एक जो है पब्लिश हुई है, बड़ा दुख हुआ, हरियाणवी तो हम भी हैं, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, दुख हुआ कि जो डाटा प्रोवाइडेड बाय द सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द क्रीड, 70% ऑफ द हरियाणा आर द बीपीएल कैटेगरी। हम किस विकास और विकसित हरियाणा की बात कर रहे हैं? हरियाणा नंबर एक की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक की बात कर रहे हैं। 70% हरियाणा के लोगों को आपने गेहूं पर, बाजरे पर, चीनी और 2 लीटर के तेल पर गरीबी रेखा में उनको आप ले आए। केवल क्या खेल चला है इस सरकार में, क्या हुआ 2 सालों में कि 75 लाख लोग जो हैं, 75 लाख लोगों को बीपीएल श्रेणी में इंक्लूड कर लिया गया। जिसमें से मैं कहूंगी फरीदाबाद में, अगर मैं विशेष तौर से बात करूं, फरीदाबाद में आपके 1,98,90,964 बीपीएल धारक वहां पर कैसे ऐड हो गए, कैसे बढ़ गए वहां पर? और हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन तो केवल 2,80,00,000 है, और उसमें से ये हालत हो गई कि आप इसमें जो है इस तरह से, ये जो टोटल बीपीएल की, सॉरी, जो हमने बीपीएल की संख्या बताई 2,80,00,000 में से हमारे 1,98,90,964 व्यक्ति जो है बीपीएल में आ गए। और फरीदाबाद में जो अगर मैं बात करूं, हमारे जो है 14,29,691 लोग बीपीएल कैटेगरी में आ गए। और यही सीएम सिटी, जो पहले सीएम सिटी थी अब स्पीकर सिटी है, ये उसमें आ गए। तो क्या आप मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, आप ये बताएंगे जो बीपीएल श्रेणी में आए हैं, तो क्या बीपीएल के लाभ, जो 100-100 गज के प्लॉट है, जो स्कॉलरशिप है, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हाउसिंग सुविधाएं हैं, जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप सभी इन बीपीएल को देने का काम करेंगे? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को गंभीरता से इस पर संज्ञान लेने का काम करना चाहिए। बात हो रही थी सुरक्षित एक हरियाणा की, असुरक्षित श्रेणी में हमारा ये हरियाणा आज के समय में आ चुका है। अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुशी से कहा कि हमने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का उपवर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या अच्छा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक एडवाइजरी दी थी और सबसे पहला राज्य आप बना उपवर्गीकरण करने में। आप हो, अच्छा होता अगर आप उस बैकलॉग को भरने की बात करते, अच्छा होता आप उस रोस्टर सिस्टम को लागू करने की बात होते, अच्छा होता आप अच्छे रोजगार देने की बात करते। ठीक है, आपने कर दिया, किस बेस पर कर दिया? अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल, बांटने का काम करने का काम आपने इसमें किया है, केवल और केवल। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना करें,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है। कोई बात नहीं, आप उनको भी दें, हम ये नहीं करें, आप हक तो दें, आप हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूँ ये अपने लीडर से, अपने नेता से, देश के नेता से, प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर क्यों नहीं है? आप नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके, अपने नेता से बयान दुआ है कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते हैं। मैं तो अभी भी नहीं कह रहा बयान उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हैं उपाध्यक्ष महोदय? मंत्री जी पहले इस बात पे लीडर है नहीं, मंत्री जी पहले इस बात में चर्चा चली है कि आप क्यों हिम्मत नहीं करते बयान देने का? भी हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, हमारी मंत्री जी, मंत्री जी कृपया आप बैठिए प्लीज, मंत्री जी बैठिए प्लीज, आप मंत्री जी आप बैठिए प्लीज, क्योंकि पहले इस बात पे चर्चा हुई है कि विधायक जब बोलेंगे तो ये मंत्री हैं, इनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, ये बात करें वर्गीकरण। आप जवाब देते समय, मैंने स्पीकर सर से पूछ के बोला हूँ मैं, आपने स्पीकर सर सवाल इस बात सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सवाल इस बात का है आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, सवाल इस बात का है क्या नहीं बोलना चाहिए वो पहले सोचो, आप क्या बोलते हो ठीक है, वाजिब बात है। वर्गीकरण की बात करी, ये नहीं इन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय में हुआ था 1993-94 में कोर्ट ने स्टे कर रखा था। मंत्री जी एक मिनट पहले, मंत्री जी बैठिए, आप मंत्री जी बैठिए प्लीज, पहले इस विषय पे बैठिए, क्योंकि पहले इस बात में चर्चा हुई है कि जब तक एक विधायक बोलेगा बीच में कोई बोलेगा नहीं, प्लीज फैक्ट्स में बोलो उपाध्यक्ष जी, मैं फैक्ट्स में बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस ने दिया था और एक कोर्ट से स्टे था, अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, बार बार बीच में ना बोले जब तक बिना परमिशन के, क्योंकि इससे पहले नहीं नहीं ऐसे ऐसे चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी, नहीं नहीं इस प्रकार से चेयर की गरिमा तो आपको रखनी पड़ेगी, इस प्रकार से बीच में मत कीजिए, आपको समय दिया जाएगा आप तब बोलिएगा, प्लीज बैठिए मंत्री जी बैठिए, क्योंकि ये पहले ही बात चली है कि बीच में ऐसे नहीं कोई बोलेगा और बिना चेयर से पूछे कोई व्यक्ति नहीं बात करेगा, इस वक्त पे बात हुई प्लीज। विधायक थे जो भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, फूलचंद मंत्री जी प्लीज बैठिए मंत्री जी बैठिए मंत्री जी, इसकी गरिमा रखिए, सदन की गरिमा के अनुसार चलिए बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, मैं केवल आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहती हूँ, ठीक है आपने किया, लेकिन आपने दिया क्या है? केवल डिवाइड एंड रूल दिया तो कुछ भी नहीं, क्या आप उनको लाभ देने का काम करेंगे? क्या पक्के सफाई कर्मचारी लगाने का काम करेंगे? हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पक्के सफाई कर्मचारी, आज आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, शिक्षा आप दे नहीं रहे, स्कॉलरशिप दे नहीं रहे, स्टाइपेंड दे नहीं रहे, पढ़ा उनको नहीं रहे, जॉब्स में आपने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दे रहे थे, भर्ती आप कर नहीं रहे, स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं, इस तरह का क्या व्यवहार है? केवल शेड्यूल कास्टों को कमजोर करके आरक्षण के लाभ को खत्म करने की सोची समझी हुई एक साजिश है। एक सुरक्षित हरियाणा की बात अध्यक्ष महोदय हम लोग कर रहे थे, पहले हमारा क्राइम में आज जो नंबर वन है, ठीक कहा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, ये हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, कोई ये भीत नहीं है और इस अधिकार को हम लोग जाने भी नहीं देंगे जिस प्रकार से ये नाटक यहां पर हुआ है। और संविधान जिस समय सौंपा गया, केवल एक बात कही थी, बहुत ही उम्दा संविधान दिया जा रहा है, केवल अगर संविधान अच्छे ढंग से लागू नहीं होगा तो उसको लागू करने वालों में कहीं ना कहीं कमी होगी। और आज एक ऐसा प्रदेश जिसमें रक्षक भक्षक बन रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, वर्किंग प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब बोल रहे हैं तो बीच में परेशान करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वी नीड योर प्रोटेक्शन, ये कोई तरीका नहीं है कि जब एक सरपंच को एक विधायक क्या कहते हैं
फील आ जाती इस दिस इज द वे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन। जो चुने हुई महिलाएं आती हैं उनके साथ इस तरह से अवर्ता करना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करने का काम करती हूं। आपके उसकी जरूर इस बात को कहना चाहती हूं, एक अच्छे वातावरण को देने का प्रयास ये सरकार करे। बहुत जोर शोर से खेल के क्षेत्र की बात कही गई, मैं बधाई देना चाहती हूं हमारे खिलाड़ियों को जो बहुत मेडल लेकर आए, 6 में से 4 मेडल जो हैं हमारे हरियाणा के आए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन 6 में से जो 4 मेडल आए उसमें से 3 मेडल हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के आए। हमारे जो हैं मनु भाकर गोरिया से, जिनके हम तो सोच रहे थे कि वहां पर जो है आदर्श ग्राम बनाने की हम लोग बात करेंगे, हमने उपाध्यक्ष महोदय हमने जो है आदर्श ग्राम बनाने की बात कर रहे थे, वहां हमारा गोरिया गांव डूबा पड़ा है, फसलों का मुआवजा तक नहीं दे रहे। हमारा एक अमन सरावत विरोध से लेकर आया, आपने आज तक जो हमारे पैरालंपिक के खिलाड़ी हमारे यहां से लेकर आए, आज तक उनको जो है उनका अवार्ड मनी नहीं दिया गया है, इस पर क्यों नहीं आप जवाब देते? और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट जारी किया स्पोर्ट्स को लेकर, हरियाणा में हम मेज थपथपा रहे, थपथपानी चाहिए, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छा काम करने का काम किया है, लेकिन जब भारत सरकार के खेलों का बजट देने की बात थी तो गुजरात को पैसा दिया गया, हरियाणा को पैसा क्यों नहीं दिया गया? खिलाड़ियों का मान सम्मान नहीं किया जा रहा, खेलों में अवार्ड मनी नहीं दिया जा रहा, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरी तरह से जो है बदहाल चुका है, आवारा बेसहारा पशु। अभी माननीय मंत्री जी खड़े हुए, पिछली बार इसी तरह से माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी भी खड़े हुए थे, जब मेरा प्राइवेट मेंबर बिल लगा था 2 घंटे आवारा बेसहारा पशुओं पर बंदरों की वजह से जो आंतक हुआ, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो डेथ हो रहे हैं, जो गौ माता हमारे गौ वंश बायो वेस्ट कूड़े के ढेर खा रहा है, इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके आंकड़े हमने पिछली बार टेबल किए थे, 2 घंटे चर्चा हुई, रिजल्ट 00, उससे भी ज्यादा जो है नंदी हमारे सड़कों पर जा रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है, उस पर विचार किया जाना चाहिए कि पिछली बार भी चर्चा हुई और आज भी उसमें कुछ नहीं हुआ। और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। स्पीकर महोदय के क्षेत्र में कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी जब हमारी सरकार गई, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था, वहीं पर यूनिवर्सिटी बननी थी, 3री टर्म हो गई सरकार की, आज तक कुटेल में वो यूनिवर्सिटी बनकर तैयार नहीं हुई है। और उसके अलावा रिवाड़ी में एम्स की बात कही, 3रा टर्म निकाल दिया, क्या बार बार कांग्रेस को कोस रहे हैं आपने? आपने खुद क्या किया है? कांग्रेस रिवाड़ी में एम्स का फाउंडेशन रखकर बात खत्म, क्या मेडिकल सुविधा वहां पर एम्स देने का काम किया? श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, उसको आज तक आपने बनाने का काम नहीं किया। हमारे झज्जर में बाड़सा में 10 सुपर स्पेशलिटी प्रोजेक्ट्स हमारी कांग्रेस की सरकार में मंजूर किए गए थे, वो सारे के सारे वापिस कर दिए, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। IIT का एक्सटेंशन सेंटर आना था, बार बार विपक्ष में भी कुलदीप वस्जी ने और हमने आवाज उठाई, आज तक उसको आपने शुरुआत करने का काम नहीं किया। आपने क्या किया? जो MBBS की फीस 40,000 होती थी उसको बढ़ाकर 40,00,000 कर दिया, नीट के टॉप बच्चे जो हैं प्रदेश छोड़कर चले गए और मेडिकल सुविधाओं से हमारा प्रदेश जो है पूरी तरह से वंचित हो रहा है। न केवल मेडिकल की कमी है सुविधाओं की, बल्कि पैरा मेडिकल की भी बहुत ज्यादा कमी है, इस पर भी सरकार जो है पूरी तरह से ध्यान देने का काम करे। केवल एक ही मिनट में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, पिछला अभिभाषण भी मेरे पास है और ये भी अभिभाषण है, स्मार्ट सिटी की बात की गई, बद से बदतर होते हुए सड़कों के हालात, फोटो वीडियो सबके साथ हमने कहा, एक पैच वर्क तक भी हमारे झज्जर में या पूरे हरियाणा में लगाने का काम नहीं किया। बात करते हैं 152 की या किसी की, केवल और केवल जहां पर टोल दिया जाता है वहां पर केवल और केवल जो है सड़कें थोड़ा सा, क्योंकि वो तो पैसा दो और सफर करो, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। और आज के समय में लास्ट बात, जो वातावरण दूषित हुआ है, जो ये वातावरण बना है, वातावरण भी खराब हुआ है और साथ साथ में पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हुआ है, इसे हमें सबको मिलकर हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से उठाने का काम करें और ये जो पॉल्यूटेड है NGT की गाइडलाइंस को माने और इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का हमें काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद,
लेकिन ये सदन अगर अच्छे से चलेगा, हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से कतई नहीं। आप प्रदेश का सर्वांगीण विकास करें, 90 के 90 हलकों में पूरी तरह से विकास का काम करें, हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे। और महामहिम राज्यपाल अभिभाषण में जो माननीय महामहिम जी ने कहा है, बहुत सारी बातें रिपीट है, उसको धरातल पर भी कार्य करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री आफताब अहमद। शुक्रिया स्पीकर सर, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बोलने का मौका दिया। सर, आज महामहिम का जो अभिभाषण था उसमें बहुत सी चीजें जो हैं जो उल्लेख की गई, लेकिन राज्य सरकार की जो अपनी नीति है, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत अंतर है। इसमें क्षेत्रवाद की बात कही गई कि संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर काम हुआ, हरियाणवी एक हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए। मैं समझता हूं सर, हम जनता ने पिछली बार भी इस विधानसभा में चुन के भेजे थे और अब भी इस महान सदन का हमें निर्वाचन होके फिर से आने का मौका मिला। मैं समझता हूं सर, इसमें बहुत सी चीजें जो कही गई वो जो धरातल पे हैं उनसे कहीं मेल नहीं खाती है। और सरकार जो अपनी बात कहे वो बड़ी जिम्मेवारी और उससे कहना चाहिए। आज सर किसानों की बात कही गई, मैं समझता हूं इस देश के अगर हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई तो वो अपनी कृषक की वजह से बनाई, अपनी कृषकों ने जो अपनी क्षमता से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया उसमें उनका अहम योगदान है। सर बड़ा दुर्भाग्य होता है इस बात को कहते हुए, इसमें कहा गया कि हम मुआवजा देते हैं। रबी 2022 का मुझे पूरे हरियाणा का तो पता नहीं पूरे हरियाणा में क्या हाल है, लेकिन नूह का 32 करोड़ का मुआवजा अब तक भी 4 बार 5 बार सदन में उठाने के बावजूद भी अब तक भी वो बटा नहीं है हमारे जिले में। तो क्या मुआवजा ऐसा मुआवजा 2022 का जो रबी का नहीं मिला, तो इस तरह के मुआवजे की बात कहना इसमें अभिभाषण में कही गई। इसी तरह के सर आपकी बार जल भराव के कारण हजारों एकड़ों में 10,000 से ऊपर एकड़ में मेरे अपने जिले में जो है जल भराव हुआ, हमने उसकी मांग करी, मुख्यमंत्री से भी मांग करी कि उसमें स्पेशल गिरदावरी करा के उनका जो है मुआवजा जो उसका इंतजाम कर। अब इसमें लिख दिया कि हमने 2,000 रुपए का मुआवजा देके किसान के ऊपर मतलब बड़ा भारी वो उपकार कर दिया। सर किसान को अगर कुछ करना ही है तो उसके लिए वास्तविकता में कदम उठाने चाहिए। आज भी जल भराव की वजह से हजारों एकड़ और हमारे मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से कहने के बाद ये गंभीरता है इस प्रशासन की, सरकार की, कि किसानों के प्रति क्या है। आज सेम ग्रस्त क्षेत्र के लिए 2 वर्षों से परियोजना पास है 42 ट्यूबवेल की, लेकिन उसके लिए 8 करोड़ का बजट जो है वो फाइनेंशियल अप्रूवल हमें नहीं मिलती, हमारे जिले को नहीं मिलती। सर क्या ऐसा काम है कि किसानों के साथ इस तरीके की जो बात हुई हमारे साथियों ने कही, डीएपी की समस्या का बताया आपके सामने, जो अब मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा किस तरीके से उनका सामने आज समस्या आ रही है, लेकिन सरकार हर रोज बयान देती है कि कमी नहीं है, तो क्यों किसान आज परेशान। सर हर एक चीज में सरकार को अपनी जो है जिम्मेदारी के साथ हर एक चीज को कहना चाहिए। और गीता जी ने जो एक बात कही इसमें कोई दोहराई नहीं, हमारे समय का 5 करोड़ रुपए जो डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, भेदभाव की बात कर रहा हूं मैं जिस तरीके से लिखा हुआ है, वो आज तक भी उनके परियोजना पूरी नहीं हुई है जो एमएलए के तौर पे मिली और उनको अधिकारी उनका नहीं करते। सर किस तरीके का शासन हरियाणा में चल रहा है कागजों में, और उसमें तो बड़ा अच्छा दिखता है लेकिन धरातल पे इसके बिल्कुल अनुरूप है। आज किसानों को जो मूलचंद शर्मा जी ने कहा ओपनिंग में कि नहरी गुड़गावा कैनाल से हमें मिल रहा है, हमारे यहाँ का गुड़गावा कैनाल से पानी मिलता है, इस तरीके से मैं एक बात पूछना चाहता था इनसे जी। डीएपी का जिक्र अशोक रोड़ा जी ने भी किया,
भाई साहब भी कर रहे हैं स्पीकर सर, ये मेरे को ये बताएं डीएपी खाद हमारे पास स्टॉक में है जवाब देते ठीक है, उनको अपनी बात रखने दे, विषय पर जब बाद में आएगा तो उसमें डिटेल आ जाएगा, उनको गलत बात कह रहा है तो उसका जवाब दे देना। आफ्ताब जी आप अपनी बात जारी रखिए। सर दूषित पानी की बात करें, गुड़गावा कैनाल हमारे यहाँ खेतों में पानी देते हैं, उसका जो पानी है ना वो ऐसा जहर है कि उसमें किसानों के मतलब खेत तो खराब हो ही रहे हैं, पशु भी खराब हो रहे हैं, उसमें इंसानों को कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और उसके लिए मूलचंद शर्मा जी की कमेटी बनी, पिछले 5 साल हम उनके साथ रहे, कोई काम नहीं हुआ। सर ये गंभीरता होनी चाहिए, किसान के प्रति कहने से दिखाने से ज्यादा उसके धरातल उसका काम करने की नीयत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज अगर ये वाकई सरकार वो है तो वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, और हजारों एकड़ों में जो और 4 जिलों में, मेरा अपना जिला ही नहीं है, फरीदाबाद भी, पलवल भी, गुड़गावा भी और नूह भी, 4 जिलों में आज किसान की धरती बंजर होने के कगार पे है, सेम ग्रस्त हो चुकी है। मैंने आपसे पहले जिस तरीके से कहा सर, किसानों के प्रति झूठी हमदर्दी से नहीं, कार्य करने से होगी सरकार से। सर जहां तक बात कही गई, इसमें कहा गया कि शिक्षा के लिए, सर मैं बड़े दुख होता है मेरे को इस बात को कहते हो, शिक्षा के प्रति सरकार को सरकारी शिक्षा में जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उसको ध्वस्त करने में लगी पड़ी है। हमारे यहाँ 50% से ज्यादा स्कूलों में टीचर नहीं है और कोई प्रयास नहीं होता, कहीं HKRM से करने की कोशिश करते हैं, कहीं किसी सोसाइटी से, लेकिन पक्की भर्ती करने में नहीं होता। मेवात मॉडल स्कूल थे, 8 से 9 हजार बच्चे पढ़ते थे, उनको भी सरकारी तंत्र में कर दिया। जब सरकारी तंत्र सही नहीं था जभी तो मेवात मॉडल स्कूल बनाए थे और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करे थे। थोड़ा खर्चा अगर ज्यादा हो रहा था तो बजट सरकार का ऐसा क्या है कि शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। मेरी आपके माध्यम से सरकार से है, उनको फिर से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत हमारे जुट ने मेवात मॉडल स्कूल से उनको करा दे, जिससे गुणवत्ता, क्योंकि मैं अभी 3 दिन पहले स्कूल में गया, टीचर नहीं है इंग्लिश का, अप्रैल से 9वीं 10वीं 11वीं क्या बच्चे पढ़ेंगे सर, उसकी गुणवत्ता को डाउन कर दे। पहले मेवात डेवलपमेंट बोर्ड 15 दिन में उसमें टीचर आ जाते थे। सर इसी तरीके से शिक्षा की बात करी, शिक्षा के साथ साथ सर स्वास्थ्य की जो बात करी गई, इसमें नूह का जिक्र आया तो किस लिए आया कि डायलिसिस होती है, लेकिन सर नूह में जो शिक्षण स्वास्थ्य सेवाएं है ना, मैं समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नाम से इतना नायाब एक तोहफा मेवात की आम जनता को, गरीब को दिया था, जिसमें लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। आज मैं समझता हूं कि उसमें यह हाल है कि उसमें अगर टेस्ट के लिए जो शीशी होती है ना वो भी बाहर से मंगाई जाती है, कभी ECG का नहीं होता, और एक्सरे की मशीन उसमें काम नहीं करती। 1000 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज में एक्सरे की मशीन काम ना करे, वो रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, बर्बाद कर दिया। आज मेडिकल कॉलेज औरों की बात करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें तो पूरे उनमें डॉक्टर लगाए, उन्हें पूरा स्टाफ लगाए, उन्हें पूरी सुविधाएं दे। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है सर, हमारे इलाके में 10 साल से 2014 में 248 नूह अलवर 4 लेन की मंजूरी हो गई थी। 2018 में सरकार ने कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, आज वो सड़क जो है खूनी रोड के नाम से पुकारी जाती है, और 2018 में उसको निरस्त कर दिया। अब पूरे 5 साल चाहे वो मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, चाहे पूर्व डिप्टी CM थे, हमेशा कहते आए कि जब आएंगे जब ये हो जाएगा, लेकिन आज भी काम शुरू नहीं हुआ। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं कर सकते तो क्यों झूठ बोला जाता है, क्यों सदन के ऊपर इसमें करा जाता है। सर मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि आज नशे का इस प्रदेश में एक ऐसा जाल फैल चुका है, सुनते तो थे पंजाब के, लेकिन अब हमें खुद को भुगतना पड़ रहा है। मेरे अपने जिले में मैं समझता हूं कि आज युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा, लेकिन ड्रग्स के नशेबाजी के इतना जबरदस्त इनके चुंगल में फंसते जा रहे। मैं समझता हूं कि ये तो बात करी गीता जी ने डंकी के रूट से विदेश में जाने के लिए, हमारे यहां तो यहीं रह के ही वो बर्बाद हो जाएंगे उनका जो होएगा। मेरा आपसे है कि सरकार के प्रयास बहुत सुने थे जी, लेकिन धरातल पे हम आज कह सकते हैं, सदन के बड़ी जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि उनका कोई जो है धरातल पे उनके ऊपर काम नहीं हुआ। तो सर इस तरीके की अगर
दावे कुछ करे जाते हैं और अभिभाषण में कुछ कहा जाता है और उसका जो है नतीजा कुछ और निकले, तो इसके तरीके से इस सदन के कहने के बावजूद भी चीजें ना हो तो मैं समझता हूं सर कि मेरा आपसे एक और आग्रह है सर, इस हाउस में कोई भी मंत्री या सरकार अगर जवाब दे तो उसको एंश्योर करो कि वो पूरा होए, क्योंकि पिछले 5 सालों में ऐसे कितने वादे हुए हमारे साथियों ने जो उठाए जो बिल्कुल आज तक सिरे नहीं चढ़े। मैं आपसे करूंगा, वी नीड योर प्रोटेक्शन इन दिस मैटर सो दैट ऑल डिमांड विथ दी गवर्नमेंट एग्री दे शुड बी फुलफिल्ड एट लीस्ट। सर इसी तरीके से चाहे मेवात कैनाल परियोजना हो, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 2 बार तो उसकी आधारशिला रख दी, आज तक उसे वो जो है उसमें कार्य नहीं हुआ। चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज 2014 में हमने शुरू कर दिया था, 8 साल से उसमें कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो रही, लिटिगेशन में जाके उससे किसी चीज के लिए हो गया। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था 2014 में, जब तक शुरू किया हुआ 24 आ गई, अब तक उसको एक ईंट नहीं लगी। सर इस तरीके का अभी भाषण में एक कहना कि क्षेत्रवाद किसे ऊपर उठ के और इस चीजों को करा, मैं समझता हूं सर इन चीजों को जो है विधायक विपक्ष का हो, उस जिले में अगर सारे विधायक कांग्रेस के दे दिए तो उसमें जनता क्यों उनका भुगते। अगर सरकार आप कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो उस जिले के विकास के प्रति सरकार का ये रवैया को, तो सर मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बिना भेदभाव के बिना इससे सोच के कि कौन से क्षेत्र से किसके दल का जो है विधायक बना है, हरियाणा को पूर्ण रूप से एक समझ के उसमें सुविधाएं दी जाए जिससे कि हम बेहतर हरियाणा और विकसित हरियाणा बन सके और जिस तरीके की ये लोग सोच है उसको बदल के हरियाणा की तरक्की करने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों हो जाती है जो मैं आपसे कह रहा था कि जो ओहरा होता है, जो कद होता है, वो खुद नजर आ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी भले ही विपक्ष के नेता का चयन ना हुआ हो, लेकिन विधानसभा का जो पहला सत्र है जिसके 2 दिन हो गए और जिसका सोमवार को अब तीसरा सत्र होगा, तीसरा दिन चलेगा, इसमें तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं के हालांकि वाद विवाद भी सुनाई दिया, बातें भी सामने खूब आई, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो विधानसभा के अंदर चला वो ये जरूर नजरिया दे गया, जरूर पैगाम दे गया कि अगले 5 साल सरकार और विपक्ष के बीच खूब खींचतान रहने वाली है। वैसे कांग्रेस का विपक्ष का नेता ना होने से क्या सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों की आवाज़ मध्यम पड़ी? आपको क्या लगता है कि अगर विपक्ष का नेता देर से चुना जा रहा है या नहीं चुना गया, इसका क्या कांग्रेस की कार्यशैली पर या कांग्रेस के विधायकों के विधानसभा के अंदर उनकी प्रस्तुति पर कोई असर पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।